हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है एस आर जे मैथमेटिक्स। दोस्तों अपन जो है अपनी क्लास जो 10th क्लास है उसका जो चैप्टर 3.2 है उसका ग्राफीय विधि वाला सवाल अपन पढ़ेंगे। ग्राफीय विधि, ठीक है, उसका जो चैप्टर 3.2 है उसका चौथा क्वेश्चन का पहला अपन सॉल्व करेंगे। इसके अंदर क्या बताना है, संगत है या असंगत, सबसे पहले तो ये बताना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, जैसे कि इनके गुणा में कुछ नहीं है तो क्या मान लो, एक मान लो, पहली समीकरण के गुणा में होगा वो क्या होगा ए वन, दूसरा क्या होगा बी वन, और तीसरी जो संख्या होगी इधर भी बराबर में 10 है और इधर भी बराबर में है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस के 5 को इधर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, यानी कि ए वन बी वन और सी वन बराबर क्या हो गया माइनस का 5, ठीक है। फिर दूसरी समीकरण में एक्स के गुणा में होगा वो क्या होगा ए टू, कितना हो गया 2, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, यानी कि बी टू कितना हो जाएगा इसका 2 और सी टू प्लस के 10 को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो ये दोस्तों हो चुका है ए वन बी वन और सी वन, ए टू बी टू और सी टू का मान पता चल गया ना, गुणा में कुछ नहीं हो तो एक मान लो तो क्या हो गया ए वन बी वन सी वन इधर ले जाएंगे तो ए टू बी टू और सी टू इधर ले जाएंगे, ठीक है। पहले में 111 और दूसरे में 222। फिर आपको क्या करना है, संगत है या असंगत उसका पता करने के लिए, संगत है या असंगत उसके लिए क्या करोगे, ए वन अपॉन ए टू बराबर ए वन का मान 1, ए टू का मान ये, फिर बी वन बटेवा बी टू, बी वन का मान कितना है 1 और बी टू का मान कितना है 2, आ रहा समझ में। फिर सी वन अपॉन सी टू, सी वन का मान माइनस 5 और सी टू का मान माइनस का 10। दोस्तों जो कट रहा है उसको काट दो, नहीं कट रहा उसको वैसा रहने दो, माइनस से माइनस कट गया एक बार कटेगा ये 5 से और ये 2 बार, एक बटेवा 2 एक बटेवा 2 एक बटेवा 2, तो बताइए तीनों के जो मान है वो बराबर आए या नहीं आए, आ गए हैं। तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं अपन, ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू बराबर सी वन अपॉन सी टू, क्या तीनों वैल्यूज बराबर आई या नहीं आई, आई बराबर, तीनों वैल्यूज बराबर आ गई, इसका मतलब ये क्या होगा संगत होगा, इसमें कोई दिक्कत है आपको, तीनों वैल्यूज अगर बराबर आ जाती हैं तो अपना सवाल क्या होगा संगत होगा, ठीक है। ध्यान रखना असंगत कब होगा, या तो दोनों बराबर होनी चाहिए या दोनों क्या होनी चाहिए नॉट इक्वल होनी चाहिए, तो इसके लिए क्या होता है संगत होता है, आ रही समझ में। सभी वैल्यूज बराबर आ गई हैं इसलिए समीकरण निकाय जो है क्या हो चुका है संगत हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो अब सवाल ने क्या कहा हमसे, सवाल ने यह कहा कि समीकरण निकाय जो है अगर संगत हो तो उसको क्या करना है आपको आगे ग्राफीय विधि से क्या करना है सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो इसको मैं क्या कर देता हूं, थोड़ा सा यहां से मिटा देता हूं, लीजिए। अब अपन क्या करते हैं, पहले पहली इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, संगत असंगत तो पता चल गया ना, ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू, ए वन के बटेवा में ए टू, बी वन के बटेवा में बी टू और सी वन के बटेवा में सी टू लिख दिया, तीनों वैल्यूज बराबर आती हैं तो भी संगत होगा और तीनों बराबर नहीं हो तो भी क्या होगा संगत होगा और बाकी क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं अपन, अब पहली समीकरण क्या थी अपनी, एक्स प्लस वाई बराबर 5 ये थी, अब इसको ग्राफी विधि से सॉल्व करना, दूसरी समीकरण को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले पहले समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना, एक बार क्या रख दो x बराबर 0 पर, x का मान 0 रखोगे इसमें तो 0 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 5, 0 का कोई मतलब नहीं जोड़ में, तो y बराबर कितना आ गया 5 आ गया, क्या यहां तक कोई दिक्कत है आपको, नहीं है। एक बार x का मान 0 रखो तो एक बार क्या रखो y का मान 0 रख दो, ठीक है, एक बार y का मान 0 रख दो, y का मान 0 रखेंगे उसी में तो x प्लस y का मान 0 और बराबर 5, 0 का कोई मतलब नहीं है तो ये क्या हो गया 5 हो गया x का मान, क्लियर। लीजिए अब बना लेते हैं यहां पर एक बॉक्स अपना, तो ये बना लिया बॉक्स, ये x है और ये क्या है y का मान है। चलिए जब x का मान 0 रखा तो y का मान क्या आया 5, x का मान 0 रखा तो y का मान 5, जब y का मान 0 रखा अपन ने तो x का मान कितना आया 5 आया, यहां तक कोई दुविधा है क्या सर, एक बार आपको x का मान 0 रखना है और एक बार आपको y का मान 0 रखना है, ठीक है, ये तो पहला था।
अब दूसरी समीकरण को सोल्व करते हैं। दूसरी समीकरण देखो, दो दो दस, पूरी समीकरण में दो का भाग जाता या नहीं जाता? अगर किसी समीकरण में किसी संख्या का भाग पूरी में जा रहा है तो लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा सवाल छोटा बन जाएगा तो गुणा भाग करने में आसानी रहेगी। तो हम क्या कर देते हैं, दो का भाग दे देते हैं। दो से कटेगा ये, तो क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। या पहले लिख दूं, दो एक्स बटे हुआ दो, दो वाई बटे हुआ दो और बराबर दस बटे हुआ दो। दो से कटा पांच बार, ये कट गया, ये भी कट गया, तो क्या बनी, एक्स प्लस वाई और बराबर में क्या बन गया, पांच। बताओ दोस्तों, ये दोनों समीकरण सेम है या नहीं है? एक्स प्लस वाई बराबर पांच, एक्स प्लस वाई बराबर पांच हो जाएगा। तो जरा सोचो, एक्स प्लस वाई बराबर पांच है और ये भी एक्स प्लस वाई बराबर पांच है, इसकी सारणी ऐसी बनी, तो इसकी सारणी भी ऐसे ही बढ़ेगी। तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम वैसी की वैसी ही सारणी यहां पर लिख दो, क्योंकि दोनों इक्वेशंस सेम है तो उनके आंसर्स भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, चलिए। तो यहां पर क्या होगा, x जो है ये जीरो और पांच, और ये पांच और जीरो, ये तो अपन ने बना ली दोस्तों सारणी दोनों की। अब सारणी बनाने के बाद क्या करते हैं, इस इक्वेशंस को सॉल्व किया अपन ने, अब इसको जो है ग्राफ पर बनाना पड़ता है। तो दोस्तों ग्राफ पर कैसे बनाते हैं, जरा आप ध्यान से देखिए। पूरा पांच या छह नंबर का सवाल आता है अपने क्लास टेंथ के अंदर पेपर में। तो देखिए, ये अपनी ग्राफ रहेगी ऐसे, इसको बोलते हैं एक्स एक्स, और इसको बोलते हैं एक्स एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई एक्स, और इसको बोलते हैं वाई एक्स डैश। बताइए मान सबसे बड़ा कितना है, पांच है, और इसमें भी पांच है, तो यानी कि एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, ये वन टू थ्री फोर फाइव। आइए समझ में। अब पहले समीकरण बनाते हैं अपन। एक्स की वैल्यू जीरो, तब वाई की वैल्यू कितनी है, फाइव है। तो जीरो हमेशा कहां पर आता है, यहां पर। तो वाई की वैल्यू कितनी बच गई, पांच बच गई है। तो वाई की वैल्यू जरा सोचो, यहां पर लिखना भी पड़ेगा अपने को, एक दो तीन चार, ये पांच, वन टू थ्री फोर फाइव, ये वन टू थ्री फोर फाइव। ये वाली लाइन किस में आती है, माइनस में आती है। इधर भी माइनस का वन, माइनस का टू, माइनस का थ्री, माइनस का फोर, ये माइनस का क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। चला देखो, एक्स का मान जीरो और वाई का मान पांच, एक्स का मान जीरो कहां पर आएगा, यहां पर। तब वाई का मान क्या है, पांच है, तो नीचे वाई वाली लाइन माइनस में है, तो वाई वाला ऊपर रह गया। तो दोनों में से बड़ा मान कौन सा है, पांच है, तो जीरो वाले को छोड़ दो और किस पर गोला बना दो, फाइव पर बना दो। ठीक है, जीरो हो एक वैल्यू तो बड़ी वाली वैल्यू पर पॉइंट बनाते हैं। दूसरा, x का मान 5 है और y का मान कितना, 0। x का मान 5, ये x वाली लाइन है, इधर माइनस में, इधर प्लस का 5 इधर है, और दूसरी वैल्यू 0 है, तो 0 का कोई मतलब नहीं इसमें, तो 5 पे बन जाएगा, ये 5 पे बन गया। दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर दो दोस्तों, मिला दो। कोई दिक्कत है क्या सर, नहीं है, इज दैट क्लियर यहां तक। अब ये जो समीकरण बनी वही ये बनेगी, यानी कि इसी समीकरण के ऊपर दूसरी वाली समीकरण भी बन जाएगी। आइए समझ में यहां तक। तो अब क्या लिखना पड़ता है, पैमाना। पैमाना कैसे लिखते हैं दोस्तों, एक तो लिखते हैं x एक्स पर, एक सेंटीमीटर बराबर, और दूसरा ऐसे का ऐसे लिख देते हैं y x पर, और फिर लिख देते हैं एक सेंटीमीटर बराबर। यहां तक तो एज इट इज छापना है। फिर x x वाली लाइन देखो कि कितना कितना बढ़ रहा है, हर बार एक दो तीन चार पांच, एक एक बार एक एक पॉइंट ही बढ़ रहा है ना, तो एक सेंटीमीटर बराबर एक इकाई लिख दो। ठीक है, दूसरा y x पर देखो कितना बढ़ रहा है, हर बार दोनों तरफ एक एक बढ़ रहा है, तो y x बराबर भी एक सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, एक इकाई हो जाएगा। क्या यहां तक कोई समस्या है क्या आपको दोस्तों? पहले तो अपन ने क्या किया, संगत और असंगत पता कर लिया। संगत असंगत पता करने के बाद जो है अपन ने क्या किया, दोनों समीकरणों को अलग अलग सोल्व कर लिया। तो ये समीकरण लिया अपन ने, पहले एक्स का मान जीरो रखा तो वाई का मान आ गया, फिर वाई का मान जीरो रखा तो एक्स का मान आ गया, ऐसे रख लेंगे, सारणी बना ली। दूसरी समीकरण में सेम संख्या दो का भाग जा रहा था तो लगा दिया, तो वापस एज इट इज वो क्यों बन गए, तो सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, और ग्राफ बनाना आपको आता ही है। ठीक है, और पैमाना वो का वही लिखना है, एक्स पर एक एक बढ़ रहा है तो एक इकाई दो दो बढ़ रहा है, दो इकाई, और वाई पर एक एक बढ़ रहा है तो एक इकाई दो बढ़ रहा है, तो दो दो इकाई, बाकी एज इट इज ये सेम टू सेम छापना है। ठीक है, तो ये आपका जो अपना पेपर के हिसाब से जो है इंपॉर्टेंट सवाल है ग्राफ वाला, ऐसे इसी तरीके से आप सारे जो सवाल है वो कर सकते हो। पॉइंट में आए तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट वाला भी इनके अंदर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कल मिलते हैं इसी टाइप के अगले सवाल के साथ, जो इंपॉर्टेंट आपके लिए परीक्षा के लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।